नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही चल रही है और इतना लंबा ये बजट सत्र चला है, बजट सत्र से क्या निकला है, विधायकों की जो उम्मीदें थी, विधायकों से जो सुझाव लिए गए थे क्या वो पूरे हुए हैं। निर्दलीय विधायक और हरियाणा पशुधन बोर्ड के चेयरमैन रणधीर गोलन मेरे साथ हैं, आइए उनसे बात करें। गोलन साहब, सबसे पहले बजट कैसा लगा और इस बार का जो बजट रहा, आप लोगों ने सुझाव दिए थे, क्या वो मान लिए गए? देखिए, इस साल का जो बजट अच्छा बजट रहा और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट के अंदर हर प्रकार के सुझाव लेकर विधायकों से भी, आम जनता से भी, अधिकारियों से भी, व्यापारियों से भी, कर्मचारियों से भी, सबके सुझाव लेकर एक अच्छा बजट पेश किया है जो कि काबिले तारीफ है। और ये बजट आने वाले समय में हरियाणा के लिए एक अच्छा बजट साबित होगा, ऐसी उम्मीद करते हैं। पशुधन बोर्ड आपके पास है, पशुओं को लेकर, किसानों को लेकर, पिछले दिनों किसान आंदोलन रहा था, किसानों की आय दोगुनी करने की बात लगातार कही जाती है, क्या ये सरकार लेकर आई है किसानों के लिए, पशुओं के लिए? देखिए, जहाँ तक किसानों की बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों के लिए लगभग 27% बजट बढ़ाने का इस बार काम किया है जी। और जहाँ तक पशुधन की बात है, पशुधन को भी, गायों को लेकर ज़्यादा सरकार चिंतित है। भी जो हमारी गौशालाएँ हैं, जो गाय आवारा पशु सड़कों पर घूम रहे हैं, जो बेसहारा पशु हैं, उनकी भी कोई व्यवस्था हो, ऐसी भी चर्चा बड़े विस्तार से हुई है। और अभी माननीय मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री जी ने गौशालाओं में कुछ पैसे देने की भी घोषणा की है और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरी कुंडली के अंदर 7 गौशाला हैं और लगभग 7 की 7 के अंदर मैंने 43 लाख रुपये दवाने का काम करा, ताकि जो हमारे गौएँ हैं उनका पालन पोषण ठीक हो सके, उन गौशालाओं में कुछ आर्थिक मदद हो जाए। इस प्रकार की योजना भी इस बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। हर विधायक का एक उम्मीद होती है और सोचते हैं कि जहां से हम चुनकर आए हैं, अपने हलके को ज़्यादा से ज़्यादा बजट में जो है पैसा दिलवा पाएँ, काम करवा पाएँ। आपको क्या क्या मिला है इस बार के बजट में पुंडरी हलके की अगर बात करें? देखिए, ऐसा कोई अलग हलके का बजट नहीं होता भाई, कोई अलग अलग हलके का बजट हुआ, बजट तो पूरे हरियाणा प्रदेश को हुआ जी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट किया है उसमें मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर देहरडू गाँव के अंदर नर्सिंग कॉलेज बन रहे हैं, जो लगभग 33-34 करोड़ की लागत से उन्होंने आश्वासन दवाया इस बजट में, भी हम मई में उसको चालू कर देंगे और वह काम भी बड़े जोर शोर से चल रहे हैं। इसी प्रकार से सड़कों की बात है, कुछ मना अपनी डिमांड भी रखी भाई, मेरे पुंडरी को सब डिवीजन बढ़ाया जाए, उस पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया, भी हम इसको भी ध्यान में रखते हुए मांग को पूरी करने का आश्वासन दिया है। बाकी देखो क्या होता है। एक पाई में भी शायद कॉलेज बनवाने की मांग की थी आपने, कॉलेज करने की मांग कर रखी है भाई, एक गवर्नमेंट कॉलेज मेरे हल्के में दिया जाए, इस प्रकार की बहुत मांग है। तहसील की है, तहसील की बिल्डिंग की है, बड़ा काम है, वह भी मंजूर करी है। तो इस प्रकार से महाग्राम योजना में भी 4 गांवों में मेरे सीवरेज सिस्टम मंजूर कर दिया, जो कि इस बजट में ले लिया है। तो इस प्रकार से अनेक काम है जो बजट में आए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हरियाणा पशुधन बोर्ड के चेयरमैन और पुंडरी से निर्दलीय विधायक रणधीर गोलन मेरे साथ थे, बजट सत्र को लेकर उनके साथ बात की। मैं हूँ देवेंद्र तिक्त्रिय, पंजाब केसरी टीवी, नमस्कार।